أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंशाल्लाह आज हम, चूँकि कल वक्त हमारे थोड़ा 15 मिनट ज़ाय हो गए थे, आज वो कैमरे का कुछ प्रॉब्लम था कल, इसके चेंज कर दिया कैमरा उसका, मेरा ख्याल पुराना है वो, कुछ उसके वो आ रहे थे प्रॉब्लम, तो इंशाल्लाह चेंज हो गया वो. आज इंशाल्लाह हम जो है नया सबक भी पढ़ेंगे, लेकिन कल जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी हम उनमें से पूछते हैं, सिर्फ हम अरबी का जुमला कहेंगे, तो आप ट्राई कीजिएगा कि वो आपको समझ में आ रहा है कि ये जुमला आपको नज़र आ रहा होगा टी वी पर. क्या जुमला है ये? अल मिफ्ताहु फिल बाब. मतलब भी समझ में आ रहा है इसका? क्या मतलब है इसका? चाबी दरवाजे में है. अल्हम्दुलिल्लाह, चाबी दरवाजे में है जी. तो चूँकि अब हमको तो उर्दू, कल हमने उर्दू समझा दिया था ताकि वो जहन में बैठ जाए अच्छी तरह, इसलिए हम दोबारा पूछते हैं, 5-10 मिनट में हो जाता है, अगला सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, है ना. और यही तरीका बेहतर है, जो चीज़ें पढ़ी जाए लाजमन उसको चेक किया जाए कि हमारे जहन में किस हद तक महफूज है वो. ये जो जुमला है समझ में आ रहा है? क्या जुमला है ये? फातिमतु फिल मतबख, यानी फातिमा फिल मतबख. क्या मतलब हुआ इसका? फातिमा किचन में है. मतबख का मतलब मालूम हो गया बहिम. तो अब हमें सिर्फ लफ्ज़ों को याद नहीं रखना है, लफ्ज़ों के साथ पूरा जुमले का मतलब मालूम होना चाहिए कि क्या बात लिखी गई है इसमें, लेटर में क्या लिखा हुआ है, नोटिस आया हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, रोड पर चल रहा है ट्रैफिक साइंस का मतलब क्या है, कंप्यूटर कंपनी के अंदर कुछ लगा हुआ है वो, तो हर चीज़ जो हमें नज़र आ रही है समझ में आनी चाहिए वो. तो ये मकसूद है हमारा पढ़ने का, है ना. ग्रामर के अंदर डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे जो है ना लोग घबरा जाते हैं, ग्रामर से लोग घबरा जाते हैं. और आप लोगों की उम्र या हमारी उम्र अभी ग्रामर के अंदर डेप्थ, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज में ग्रामर बताएँ कि आप समझ नहीं पाएंगे, और ग्रामर की चीज़ें हम आपको बता देंगे गैर शोरी तौर पर, इंशाल्लाह आप ग्रामर को पकड़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ग्रामर सीखा हुआ है, है ना. इंशाल्लाह हम ये नहीं कहेंगे ये ग्रामर ऐसा है, इसको आप उसका उसूल बताइए, उसकी ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह. उसके बाद अस्सयारतु, और लिखा हुआ है यहाँ पर फित तरीक, अस्सयारतु फित तरीक, इस जुमले का मतलब क्या है? गाड़ी रास्ते में है, गाड़ी रास्ते में है, या पर है इस्तेमाल कर सकते, फ़ी का मतलब लेकिन में होता है, ठीक है. तो अस्सयारतु फित तरीक, गाड़ी रास्ते में है. मैं रास्ते में हूँ तो कैसे कहेंगे हम? आना फिर तरीक. देखिए आप ऑफिस से कॉल आया मसलन आपको, आप गाड़ी में उस वक्त इत्तेफाक ये हुआ, तो आप कहेंगे कि आना फिर तरीक, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे जिसको हम कहते हैं, ठीक है. तो मैं रास्ते में हूँ तो कहेंगे आना फिर तरीक, मैं गाड़ी में हूँ आना फिर सैयारा, ठीक है. तो ये जुमले जो है ना लाजमन छोटे छोटे जुमले हैं लेकिन काम के जुमले हैं. ये जुमला देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जुमला अल मुदीरु फिल मकतब, मतलब क्या है इस जुमले का? ऑफिस में है. तो मुदीर का मतलब वो मैनेजर भी होता है अरबिक में, और मुदीर का मतलब प्रिंसिपल भी, जो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना उसको भी मुदीर कहते हैं जी जी. तो मुदीर का मतलब मैनेजर भी, मुदीर का मतलब स्कूल का प्रिंसिपल भी, जैसे कि मकतब का मतलब टेबल भी, मकतब का मतलब ऑफिस भी. तो कभी कभी एक लफ्ज़ के 2-3 डिफरेंट मीनिंग भी आती है, ठीक है. उर्दू में भी यही हाल है, इंग्लिश का भी यही हाल है, हर ज़ुबान में एक लफ्ज़ की 2-3 डिफरेंट मीनिंग होती है, वो हम समझ लेते हैं कि यहाँ क्या मकसूद है, इस लफ्ज़ से क्या मुराद है यहाँ पर, है ना. जैसे कि इंग्लिश में लिखते हैं LIVE, अब लीव भी पढ़ सकते हैं, लाइव भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है आप समझ लेंगे कि यहाँ लाइव पढ़ना चाहिए कि लीव पढ़ना चाहिए, वो हम डिसाइड कर लेते हैं फ़ौरन, है ना. और मीनिंग भी दोनों की डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, स्पेलिंग सेम है, जबकि तो हम समझ लेते हैं कि नहीं यहाँ पर लीव पढ़ना है और इसकी मीनिंग चूँकि यहाँ पर आ रही है, यहाँ लाइव पढ़ना है इसकी मीनिंग ये है. तो ये चीज़ें जो है ना पढ़ने से ही आती है, सबको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंशाल्लाह. उसके बाद जो है ये जुमला देखिए इसमें क्या लिखा, ये क्या लिखा हुआ है जुमला? हामिदुन फिल मस्जिद, हामिदुन फिल मस्जिद, क्या मतलब? हामिद मस्जिद में है, हामिद मस्जिद में. उसके बाद अल इमामु फिल गुरफा, अल इमामु फिल गुरफा, क्या मतलब है? इमाम साहब कमरे में है, अल इमामु फिल गुरफा, इमाम साहब कमरे में है जी.
ये जुमला पढ़िए क्या है, मन फिल हमामी, मन फिल हमामी क्या मतलब, हमाम में कौन है, बाथरूम में कौन है, हु इज इन द बाथरूम, हु इज इन वॉशरूम, मन फिल हमाम, मन का मतलब कौन, और क्या के लिए क्या लफ्ज है, मा या मादा, क्या के लिए क्या लफ्ज है, मा या मादा, वो याद होना चाहिए, जहन में रहनी चाहिए चीज़ें, चूँकि ये चीज़ें हम जो है ना भूलने के लिए पढ़ रहे हैं, ये मुस्तकिल तौर पर है, ये ऐसा नहीं है कि जो है पढ़ लिया वो थोड़ा सा चलो अब उसको भूल जाते हैं, वो तो सब साथ में लेके चलना है, जमा करना है, कतरा कतरा दरिया शवद वाला मामला है ना, कि समुंदर किससे बनता है, कतरों से बनता है, तो कतरों से समुंदर बनता है ना, दरिया बनता है, ड्रॉप्स मेक ओशन कहते हैं कि नहीं हम, तो कतरों से समुंदर, तो हमारा समुंदर बनने के लिए कतरे जमा करना पड़ेगा हमें, तो ये इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आपका एक दरिया और समुंदर बनेगा ये कतरे। तो उसके बाद ये जुमला पढ़िएगा क्या है, तो माज़ा अलल मकतब, माज़ा अलल मकतबी क्या मतलब, टेबल पर क्या है, टेबल पर क्या है, माज़ा क्या, अलल मकतब टेबल पर, टेबल पर क्या चीज़ रखी है, टेबल पर क्या चीज़ है। उसके बाद है ये जुमला पढ़िएगा आप नीचे, ये अंत फिल बैत, जी क्या आप घर में हैं, क्या आप घर पर हैं, दोनों सही, उर्दू में हम घर पर भी कहते हैं, घर में भी कहते हैं, अ अंत फिल बैत, क्या आप घर पर हैं, आर यू एट होम, क्या आप घर पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद ये पढ़िएगा जुमला, क्या मतलब इस जुमले का, दरवाज़ा खुला हुआ है, अलबाबू मफ्तूहुन, अलबाबू मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला हुआ है, और हमने एक लफ्ज़ मिफ्ताहुन पढ़ा हुआ है, उसका मतलब क्या है, चाबी, मिफ्ताहुन का मतलब क्या है, चाबी, मफ्तूहुन का मतलब क्या है, खुला हुआ, अलबाबो मफ्तूहुन, अलबाबो मफ्तूहुन। उसके बाद ये जुमला पढ़िएगा, जी अलहम्मामु वसिखुन, अलहम्मामु वसिखुन क्या मतलब, जी बाथरूम गंदा है, अलहम्मामु वसिखुन बाथरूम गंदा है। अब ये जुमला पढ़िएगा, अल कुर्सियु सकीलुन, अल कुर्सियु सकीलुन क्या मतलब, कुर्सी भारी है, कुर्सी क्या है, वजनी है, वजनी है, हेवी है, ठीक है, तो सकीलुन का मतलब हेवी या भारी, अल कुर्सियु सकीलुन। ये जुमला पढ़िए क्या है, अल मस्जिदु कबीरुन क्या मतलब है इसका, मस्जिद बड़ी है, जी बिल्कुल। ये जुमला पढ़िए अब, हादल इमामु जदीदुन क्या मतलब है इस जुमले का, जी ये इमाम साहब नए हैं, हादल इमामु जदीदुन ये इमाम साहब नए हैं। इसके बाद ये ज़ालिका, ज़ालिका और उसके बाद अर्रजुलु गनीयुन, ज़ालिका अर्रजुलु गनीयुन, ज़ालिका अर्रजुलु गनीयुन वो आदमी मालदार है, और सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि अर्रजुलु गनीयुन तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा, आदमी मालदार है, सिर्फ इतना पढ़ेंगे हम अर्रजुलु गनीयुन तो इसका मतलब होगा आदमी मालदार है, गनी का मतलब मालदार, ठीक है, और ज़ालिका लगा दिया तो वो आदमी, ज़ालिका अर्रजुलु गनीयुन वो आदमी मालदार है। उसके बाद यह है, ये जुमला पढ़िएगा क्या है, तो जी अत्तालिबु फिल मदरसा, अत्तालिबु फिल मदरसा क्या मतलब, जी स्टूडेंट स्कूल में है, तालिब इल्म स्कूल में है। इस जुमले को पढ़िएगा, अल किताबु अलल मकतब, अल किताबु अलल मकतब किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है, सही है। इस जुमले को पढ़िएगा, हुआ फिल गुरफति, हुआ फिल गुरफति क्या मतलब, वो कमरे में है, किसी मर्द की तरफ इशारा है हुआ, किसी औरत की तरफ इशारा है हिया, किसी औरत की तरफ इशारा है तो हिया, मर्द की तरफ इशारा है तो हुआ, तो हुआ फिल गुरफति वो रूम में है, वो
रूम में है। ये जुमला पढ़िएगा, असाअतु अला सरीर, यानी असा अगर हिया भी कह सकते हैं हम, अगर असा की तरफ इशारा करना हो तो हम हिया भी कह सकते हैं कि हिया अला सरीर, तो असाअतु अला सरीर, असाअतु अला सरीर क्या मतलब, घड़ी बेड पर है, घड़ी बेड पर है। या सिरुन, ये देखिए इसके बाद है, या सिरुन फिल हम्माम, या सिरुन फिल हम्माम क्या मतलब, यासिर बाथरूम में है जी। किसी ने कहा वन यासिर, आपका यासिर फिल हम्माम, वन यासिर, यासिर फिल हम्माम, वन खालिद, खालिद फिल हम्माम, ठीक है, तो यासिर फिल हम्माम। फिर हमने ये जुमला पढ़िएगा अब, आमिना फिल मतबख, आमिना फिल मतबख, या हिया फिल मतबख, अगर इशारा कहे नाम न ले तो हिया कहना होगा आपको, आमिना के बजाय अगर आमिना की तरफ इशारा करना हो वो, और मुराद आमिना हो तो ही कहेंगे, अब हम वह हुआ नहीं, तो आमिना तो फिल मतबख क्या मतलब, आमिना किचन में है, आमिना फिल मतबख, आमिना किचन में है, यह वो किचन में है, तो वो से मुराद अगर आमिना है औरत है तो ही कहेंगे, वो से मुराद अगर मर्द है तो हुआ कहेंगे, ठीक है, ही एंड शी वाला मामला। उसके बाद है ये जुमले को, इस जुमले को पढ़िएगा, अलकमरु फिस्समाई, अलकमरु फिस्समा, समा कुरान में बहुत 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 मरतब आया, वस्समाई वत्तारिक, वस्समाई वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, तो अस्समा कुरान बहुत आया हुआ, तो अलकमरु फिस्समाई, चांद आसमान में है, चांद आसमान में है। उसके बाद ये जुमला पढ़िएगा, हाँ, अल मुदर्रिसु, हमने जानबूझकर इस पर ज़बर ज़ेर नहीं लगाया हुआ है ताकि आप ख़ुद पढ़े इसको, अल मुदर्रिसु, क्या पढ़ेंगे हम इसको, अल मुदर्रिसु फिल फ़स्ली, अल मुदर्रिसु फिल फ़स्ली क्या मतलब होगा इसका, उस्ताद क्लास के अंदर है, टीचर क्लास में है, टीचर क्लास में है, मुदर्रिस का मतलब टीचर, फ़स्ल का मतलब क्लास रूम, तो अल मुदर्रिसु फिल फ़स्ल, टीचर क्लास रूम में है, ठीक है। आखिरी जुमला पढ़िएगा, जामिया, जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को, मदरसा कहते हैं स्कूल को, जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है, खालिदुन फिल जामियाती, खालिद यूनिवर्सिटी में है, खालिद यूनिवर्सिटी में हूँ। अगर आप पूछे किसी से कि तुम कहाँ हो, कहेंगे आना फिल जामिया, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है देखें, ये अल्फाज जो है इन जुमलों को आपने पढ़ भी लिया और इसका तर्जुमा भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से हम बतदरीज जो है आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो भी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप उनको पिकअप करेंगे, जैसे कि आपने ये पिकअप किया फर्स्ट डे में, आप ये समझते थे जो आज आपने पढ़ लिया, फर्स्ट डे में नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते के अंदर ही आपने फिर फ़र्क अपने अंदर पाया कि हम जब हम पढ़ते हैं तो लाजमन हमको पढ़ना आता है, तो पढ़ने जब सीखना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ शेयर करना पड़ेगा टाइम जो है, यहाँ पर एक घंटा बैठे तो कोई ज़ाय नहीं होगा इंशाल्लाह हमारा। ये तो उसमें नहीं है, ये तो हमारे इस पर, हमने सिर्फ एक्सरसाइज जो फेसबुक पर डाली थी, फेसबुक पर है ये अपनी अपनी, लेकिन बनाए हुए ये जुमले जो है आपके पढ़े हुए जुमले हैं, ठीक है, ये सब जो अल्फाज हैं सब आपके पढ़े हुए हैं, इसमें से कोई लफ्ज़ हमने अपनी तरफ से नहीं डाला हुआ है, क्योंकि हम अपनी तरफ से अल्फाज डालते ही नहीं इसमें, जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं हम उसी में से सिर्फ अंदाज़ क्या मुख्तलिफ अंदाज में बना देते हैं जुमले, ताकि जो है आप उसको वो ना करें, मुख्तलिफ अंदाज में समझ में आना चाहिए, लफ्ज़ वही हैं, तरीक़ा भी वही है, हमने जुमलों को थोड़ा सा दूसरे बना दिया, जोड़ दिया उसमें, तो आपके अंदर ये पढ़े हुए अल्फाज हैं पूरे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। आज जो है हम सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अदर्स, कौन सा सबक पढ़ना है आज हमने, अदरसुल खामिस पढ़ेंगे, अदरसुल खामिस, खमसा का मतलब होता है पाँच, गिनती आती, गिनती भी सीखना ज़रूरी है इंशाल्लाह, गिनती भी हम अगले हफ्ते जो है इंशाल्लाह गिनती सिखाएंगे, अगले हफ्ते गिनती बताएंगे इंशाल्लाह, है ना। एक को क्या कहते हैं किसी को मालूम है, एक को वाहिद, दो को क्या कहते हैं मालूम है, इत्नैन, तीन को क्या कहते हैं हम, थलाथा, चार को क्या कहते हैं हम, अरबा, पाँच को क्या कहते हैं हम, खमसा, छः को क्या कहते हैं हम, सित्ता, सात को क्या कहते हैं हम, सबआ, सबआ, सात को क्या कहते हैं हम, सबआ,
जो चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाए उसको अच्छे से बाद में अच्छे से जहन में रखें उसको। तो सात को कहते हैं हम सबआ, और आठ को क्या कहते हैं हम समानिया, और नौ को क्या कहते हैं हम तिसआ, और दस को क्या कहते हैं हम अशरा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अशरा तक याद है, जिसको अशरा तक याद है हंड्रेड ऑफ थाउजेंड तक याद हो जाती है, बहुत ईजी है। अगर किसी को दस तक याद है तो बहुत ईजी है ना, ठीक है। वाहिद का मतलब एक है ना, और अशरा का मतलब दस। तो अगर ग्यारह कहना होगा तो वाहिद और अशरा नहीं कहेंगे, ये ध्यान में रखिए कि अहदा अशर कहेंगे, है ना, वाहिद अशर नहीं कहेंगे, ठीक है। दो हमें मालूम है इथनैन, और अशर मालूम है। तो अगर हम बारह कहना होगा इथनैन अशर नहीं कहेंगे, इतना अशर क्या कहते हैं लोग, इतना अशर, इथनैन अशर नहीं कहेंगे हम। इथनैन का मतलब दो होता है, लेकिन इथनैन व अशर नहीं कहेंगे, इतना अश क्या कहते हैं हम, इतना अश। अब इसके बाद जो है आसान है मामला, तीन को क्या कहते हैं हम सलासा, और अशरा का मतलब अशरा। थर्टीन कहना होगा तेरह तो कहेंगे सलासा अशर, वो ईजी है, वो सबसे अब आगे जो है सेम चलेगा, बस अहदाश और इतना अशर में जो है ये फ़र्क है जी, एलेवन ट्वेल्व, बाकी जो है वहाँ से देखिएगा आप। तो तेरह को क्या कहते हैं हम सलासा अशर, तेरह को क्या कहेंगे अब हम सलासा अशर। तो अब देखिए चार और दस तो यानी चौदह हो गए, तो चौदह या फोर्टीन को क्या कहना चाहिए अब हमने, अरबाश अरबाता अश, क्या कहेंगे अब हम, अरबाता और अश्र, चार को पकड़ा आपने और अशरा को पकड़ा और मिला दिया, अरबाता अश अशर, दरअसल अशरा, लेकिन ये बातचीत करते हैं तो अश कहते हैं, अरबाश अरबाता अश, है ना, अरबाता अश। वो आपको रा की आवाज़ नहीं सुनाई देगी उसमें, लेकिन वो अशरा है या अशर है, अशर या अशरा दोनों करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये कहें अरबाता अश, लेकिन रा की आवाज़ नहीं सुनाई देगी आपको, ये अपना अपने ज़ुबान का, इंग्लिश में भी जब हम कहते हैं, इंग्लिश के अंदर जब बातचीत करते हैं बहुत सारे जो अल्फा हरूफ हैं लेटर्स हैं उनको प्रोनाउंस नहीं कहते हैं करते हैं हम, ठीक है, ये हाल ज़ुबान का है। तो अब हमें पाँच मालूम है, तो पाँच को पकड़िए और दस को पकड़िए और मिलाइए, हम सताश, क्या कहेंगे हम पंद्रह को, हम सताश, सोलह को क्या कहेंगे हम, सिताश सित्ता अश सित्ता अश, सत्रह को क्या कहेंगे हम, सबाता अश सबाता अश, और एटीन को क्या कहेंगे हम, समानिया अश समानियता अशर समानियता अशर, और नाइनटीन को क्या कहेंगे हम, तिसआ और अशर तिसआ और अशर, यानी तिसआता अशर, कुरान में है ना अलैहा तिसआता अशर, जहन्नम का जिक्र है फरिश्तों का वहाँ पर, ठीक है। और 20 को क्या कहेंगे, किसी को मालूम है, इशरून या इशरीन, दोनों सही है, इशरून भी, इशरून और इशरीन दोनों फॉर्म करेक्ट है। तो 20 को क्या कहेंगे हम, इशरीन या इशरून। तो 10 को कहेंगे अशरा, 10 को क्या कहेंगे हम, अशरा। 20 को क्या कहेंगे, इशरीन इशरीन 20। 3 को है ना, 3 को कहेंगे सलासा, 3 को क्या कहेंगे हम, सलासा। और 30 को क्या कहेंगे हम, सलासीन, सलासा से सलासीन, 33 को कहेंगे सलासा, और 30 को कहेंगे सलासीन, सलासा से आप उसको खींच दीजिए सलासीन। अरबा का मतलब 4, तो 40 का मतलब अरबईन, सही। ये लोग जो है ना अभी 40वां मनाते हैं, अभी ये 40वां का प्रोग्राम आने वाला है, उसको अरबईन लिखते हैं ये लोग, 40वां अरबईन लिखा होगा बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। तो अरबा से अरबईन, खमसा का मतलब 5, खमसीन, 50 को क्या कहेंगे अब हम, खमसीन। सित्ता यानी 6, 60 को क्या कहेंगे हम, सित्तीन, क्या कहेंगे हम, सित्तीन। सबा का मतलब 7, 70, क्या कहेंगे, सबईन, क्या कहेंगे हम, सबईन। समानिया से समानीन, तिसआ से तिसईन, आ गया ना, तिसईन 90 हो गए। 100 को क्या कहते हैं मालूम है किसी को, मिया, मिया, अगले हफ्ते बताएंगे इंशाल्लाह। मिया, मिया का मतलब 100, मिया तो उनका मतलब 100। और 1000 को क्या कहते हैं, अल्फ, अल्फ, अल्फ का मतलब 1000। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम लिखवाएंगे और उसको यहाँ पर डिस्प्ले भी करेंगे, ठीक है। तो अशरा का मतलब कितना हुआ, 10, अशरा का मतलब 10, इशरीन का मतलब 20, सलासीन 30, अरबईन 40, खमसीन 50, सित्तीन 60, सबईन 70, समानीन 80, तिसईन 90 या 90, और मिया, और क्या आ गया उसके बाद, मिया, और 1000 के लिए अल्फ, 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 है ना। बीच में की जो गिनती वही रहेगी,
100 इतना बोलना है, 113 100, तो गिनती तो वही चलेगी हमारी जो हमें याद है ना, इशरीन तक की गिनती तो हमें याद हो गई ना, तो वो इशरीन अब मे जैसे कहना 130 मे व सलासिन कहेंगे, मे व सलासिन कह देंगे, तो सलास मिया कहेंगे, सलास मिया 3000 कहेंगे तो सलास तालाफ है ना, वो आएगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते समझा देंगे, और उसको हम बार बार रिपीट भी करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो जहन में बैठ जाएगी, फिर वो इंशाल्लाह को मसला नहीं है, उसको गिनती जो है बहुत ईजी है, आपको तो अशरा तक याद है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी आपको, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं आज अद्दरसुल खामिस, अद्दरस अल खामिस, खामिस का मतलब पाँच हुआ, खमसा का मतलब पाँच, देखिए खमसा का मतलब पाँच, खामिस का मतलब पाँच हुआ, फाइव एंड फिफ्थ वही फ़र्क है इसमें। सईद, सईद ने कहा, कोई पढ़ सकता है इसको, पढ़ना आता है कोई भी साथी पढ़े जी, आप किताब मोहम्मद इन हाजा, हाँ या यासिर जी, यासिर ला हाजा किताब हामिद जी, सईद आयन किताब मोहम्मद जी, यासिर हुआ अलल मकतब हुनार सही, सईद एन दफ्तर कमार सही, यासिर हुआ अलल मकतब भी मकतब मुदर्रिस सही, सईद हाजा या अली करेक्ट, अली हाजा कल मुदर्रिस सही, ऐना ऐना हकीबतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस अली हिया तहतल मकतब, हिया तहतल मकतब, ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है, उसके बाद एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइज की हेडिंग समझाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं हम, इसके अंदर एक नई चीज़ बताई जा रही है आज, है ना, अभी तो हमने पढ़ा कि भी दरवाज़ा खुला है, चाबी दरवाजे में है, किताब टेबल पर है, ये नई चीज़ें पढ़ी थी, आज एक नई चीज़ और पढ़ रहे हैं हम, वो नई चीज़ क्या है, का के की, का के की, हम कहेंगे कि मोहम्मद की गाड़ी, मेरी किताब, आपका कलम, है ना, बहरेन का दरवाज़ा, तो इसमें का के की आ रही ना, अपोस्ट्रॉफी एस वाला मामला या ऑफ वाला मामला, तो अगर हमें कहना होगा कि मोहम्मद की किताब, तो कहेंगे किताब मोहम्मद, क्या कहेंगे हम, किताब मोहम्मद, मोहम्मद की किताब, दरवाज़ा मालूम है हमें, बाब, बाब, बहरेन का दरवाज़ा तो क्या कहेंगे हम, बाबुल बहरेन, देखिए बाबुल बहरेन, बाबुल बहरेन को बाबुल बहरेन इसलिए कहते हैं ना, वो पुराने ज़माने में जो है ये शुरू में मेन गेट वही था बहरेन का, गेटवे था वो, बाबुल बहरेन, बहरेन का दरवाज़ा, ठीक है। तो का के की के लिए बता रहे हैं हम, किताब मोहम्मदिन, तो सईद ने पूछ रहा है, सईद पूछता है, ये देखिएगा, किताब किताब मोहम्मदिन, आ जो है सवाल का, आ जो है ये सवाल के लिए है, अ किताब मोहम्मदिन हाजा या यासिर, यासिर से पूछ रहा है ये, कौन है, सईद, सईद पूछता है यासिर से, अ किताब मोहम्मदिन हाजा या यासिर, या आवाज़ के लिए, निदा के लिए, ए बोलते हैं ना, ओ यासिर, ए यासिर, या यासिर, ठीक है, तो अ किताब मोहम्मदिन हाजा, क्या मोहम्मद की किताब है ये, अ किताब मोहम्मदिन हादा, क्या मोहम्मद की किताब है ये, या यासिर, ए यासिर, ए यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है, समझ में आ रहा जुमला, आ का मतलब सवाल, किताब मोहम्मदिन मोहम्मद की किताब, हादा का मतलब ये, अ किताब मोहम्मदिन हादा, क्या मोहम्मद की किताब है ये, या यासिर, ए यासिर, ए यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है, वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, वो भी सही है जी, लेकिन ये इस अंदाज के अंदर ये ज़्यादा करेक्शन ये है इसमें, लेकिन वो उस गलत नहीं है जुमला, वो भी सही है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप आगे पीछे करके भी कोई ख़राब नहीं होता जुमला, कुछ चीज़ों में जुमला ख़राब होता है जो कि करेक्ट नहीं होता, जहाँ नहीं करेक्ट होगा हम बताएंगे, ठीक है। तो अ किताब मोहम्मदिन हाजा, क्या ये मोहम्मद की किताब है, या अ हाजा किताब मोहम्मद, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो किताब मोहम्मद को समझना है, किताब मोहम्मद, मोहम्मद की किताब, मोहम्मद की किताब, ठीक है। हमें रुमाल मालूम है, टॉवल और रुमाल के लिए क्या लफ्ज़ है हमारे पास, मिंदील, खालिद का रुमाल कैसे कहेंगे हम, मिंदील खालिद, है ना, खालिद का मिंदील क्या कहेंगे हम, मिंदील खालिद, खालिद का टॉवल, खालिद का रुमाल, तो ये पैटर्न वही है जो है। रूम का, रूम के लिए लफ्ज़ है आपके पास अब, और दरवाजे के लिए भी लफ्ज़ है, अब ये बताइए कि रूम का दरवाज़ा, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, अब ये देखेंगे, बाबुल गुरफा, क्या कहेंगे हम, दरवाज़ा
बाबुल गुरफा, हाँ बाबुल गुरफती, रूम का दरवाज़ा बाबुल। गाड़ी और चाबी दोनों के लिए आपके पास लफ्ज है, गाड़ी की चाबी तो कैसे कहेंगे आप, मिफ्ताहुस सय्यारा, क्या कहेंगे अब हम, मिफ्ताहुस सय्यारा, गाड़ी की चाबी मिफ्ताहुस सय्यारा। हमारे पास जो अल्फाज पड़े हुए आप उससे जुमले बना सकते हैं इस टाइप के भी, मिफ्ताहुस सय्यारा गाड़ी की चाबी, बाबुल गुरफा कमरे का दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा है ना। तो यासिर ने कहा, फिर यासिर ने कहा ला, उसने पूछा ना आ किताबो मोहम्मद हादा, अ किताबो मोहम्मद इन हादा, क्या ये मोहम्मद की किताब है या यासिर, या यासिर यासिर। तो यासिर ने कहा ला नहीं, हादा किताबो हामिदिन, हादा किताबो हामिदिन, किताबो हामिदिन हामिद की किताब। तो हादा किताबो हामिदिन का मतलब क्या होगा, ये हामिद की किताब है, हादा किताबो हामिदिन ये हामिद की किताब है। सईद ने कहा अयना किताबो मोहम्मदिन, अयना, अयना का मतलब कहाँ पर, वेर, वैन कहते हैं ये लोग, अयन, अयना को वैन कहते हैं ये लोग, तो अयना का मतलब कहाँ, वेर, अयना किताबो मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है, अयना किताबो मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। वो जब इस शक्ल में उसको डबल देर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, किताब मोहम्मदुन नहीं पढ़ सकते आप, किताब मोहम्मदिन ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, दूसरा इराब जबर देर नहीं, उसमें नहीं लगा सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो जब का के की का मामला आएगा तो आपको दो जेर या एक जेर लगाना पड़ेगा, जहाँ पर अलिफ लाम आएगा वहाँ एक जेर लगेगा, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, किताब मोहम्मद बस इतना काफ़ी है, लेकिन याद जहन में रखना चाहिए, चूँकि हम कायदा पढ़ रहे हैं, चूँकि हम जो है ना लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि या ज़ेर पढ़ना या ज़बर पढ़ना या पेश पढ़ना, ठीक है। लेकिन आज जब आप बात करें तो ऐसे नहीं कहें ऐन किताब मोहम्मदिन, नहीं कहें किताब मोहम्मद, ऐन किताब मोहम्मद, ठीक है, ऐन सैयारत खालिद, खालिदिन कहना ज़रूरी नहीं है वहाँ पर बातचीत में, ठीक है। तो ऐन किताब मोहम्मद, मोहम्मद की किताब किधर है, हुवा अलल मक्तब हुनाक, हुवा अलल मक्तब हुनाका, हुनाका, हुनाका मतलब यहाँ पर, हुनाका मतलब हियर, और हुनाका का मतलब देयर, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ के लिए क्या आता है, हुनाका मतलब होना, हुना, हुनाका मतलब ये लोग स्पोकन में हिनी कहते हैं, अना हिनी फिल बहरेन, लास्ट टाइम पढ़ा ना लास्ट वीक, अना हिनी फिल बहरेन, तो होना है दरअसल वो, हुनाका मतलब यहाँ, और हुनाका देखिए हुनाका ये पढ़ रहे ना हुनाका, तो हुनाका का मतलब वहाँ पर, देयर, तो होना का मतलब यहाँ, होना का वहाँ, और ये यहाँ जो हिनी से हिनी को क्या कहते, मिन्नाक, मिन्नाक जी, मिन्नी और मिन्नाक कहते हैं ये लोग, ठीक है। तो मिन्नी का मतलब हियर, मिन्नाक का मतलब देयर, तो हुनाका को मिन्नाक कर दिया उन्होंने, और हिनी को भी मिन्नी कर दिया उन्होंने, होना को हिनी किया और हिनी को मिन्नी किया, तो मिन्नी और मिन्नाक, ठीक है, मिन्नी मतलब, मिन्नी मतलब यहाँ, मिन्नाक मतलब वहाँ। तो अलल मकतब हुनाक, हुआ अलल मकतब, अयन किताब मोहम्मद, हुआ अलल मकतब हुनाक, वो टेबल पर है वहाँ पर, ठीक है, वो वहाँ टेबल पर रखी हुई है, हुआ का मतलब इशारा है किताब की तरफ, ओके, अलल मकतब हुनाक, हुआ अलल मकतब हुनाक, वो वहाँ टेबल पर है, तो हुनाक का मतलब वहाँ, हुनाक का मतलब वहाँ। उसके बाद पूछा ऐ न दफ्तरो, सईद ने पूछा, दोबारा सईद कहता है ऐ न दफ्तरो अम्मार, देखिएगा सईद ने कहा ऐ न दफ्तरो अम्मार, अम्मार का नोटबुक किधर है, दफ्तर का मतलब नोटबुक, ठीक है, ऑफिस नहीं, ऑफिस के माना में उर्दू के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, लेकिन अरबी के अंदर जो है दफ्तर का मतलब ऑफिस नहीं होता है, ऑफिस के लिए मकतब है, दफ्तर का मतलब नोटबुक होता है, ठीक है। तो ऐ न दफ्तरो अम्मार, ऐ न दफ्तर हो अम्मारिन, अम्मार का नोटबुक किधर है, अम्मार का, अम्मार नाम है किसी का जी, किसी का नाम है, अम्मार, खालिद, हामिद, ये सब नाम है, आमिर, अम्मार, उमर, ठीक है। तो ऐन दफ्तर हो अम्मार, अम्मार का नोटबुक किधर है, अम्मार का नोटबुक किधर है। तो यासिर ने जवाब दिया हुवा अला मकतबिल मुदर्रिस, हुवा अला मकतबिल मुदर्रिस, वो कहाँ है, वो उधर मुदर्रिस के टेबल पर है, मकतबुल मुदर्रिस,
बाबुल गुरफती, बाबुल गुरफा कमरे का दरवाज़ा, मकतबुल मुदर्रिस टीचर का टेबल, मकतबुल मुदर्रिस टेबल टीचर का टेबल, का के की का माना रहा कि नहीं इधर, मुदीर की गाड़ी सैयारतुल मुदीर, मुदीर की गाड़ी सैयारतुल मुदीर, टीचर का टेबल मकतबुल मुदर्रिस, मकतब टेबल अला मकतबिल, अला की वजह से है वो अला मकतबिल मुदर्रिस, ये उस पर मत तवज्जो करें, सिर्फ उस पर मकतबुल मुदर्रिस ये ध्यान में रखें कि टीचर का टेबल है ना, बाद में ज़बर ज़ेर पेश को हम सही कर लेंगे, ठीक है। तो आला की वजह से है वो जो ज़ेर है वो आला की वजह से, जब आला या हमने इसके पहले पढ़ा है ना आला और फी आएगा तो नीचे ज़ेर पढ़ते हैं उसके बाद वाले में जे, जब हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि जब आला और फी आता है तो उसके बाद जो लफ्ज़ आता है उसके नीचे ज़ेर लगाते हैं, है ना, तो उसी वजह से आला की वजह से ये मकतब का जो बा है उसके नीचे ज़ेर देख रहे हैं आला की वजह से, ठीक है। तो हुआ आला मकतबिल मुदर्रिस, हुआ आला मकतबिल मुदर्रिस, तो मकतबुल मुदर्रिस का मतलब टीचर का टेबल, सैयारतुल मुदीर मैनेजर की गाड़ी, बाबुल गुरफा कमरे का दरवाज़ा, मिफ्ताहुल मस्जिद क्या मतलब होगा जी, बाबुल काबा काबा का दरवाज़ा, काबा का दरवाज़ा, तो ये का के की वाले जुमले इस पैटर्न पे बनते हैं, इस पैटर्न पे बनते हैं। अब हम जो है बहुत सारी प्रैक्टिसेस की अगले हफ्ते करेंगे, का के की वाले जुमले की परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि आपने जो चीज़ आज हमने आपने खुद से बताई इंशाल्लाह हफ्ते अशरे में ये चीज़ खुद से आप बताएंगे फिर आप, और वो चीज़ें जो पढ़ी है वो भी साथ में चलती रहेंगी इंशाल्लाह। उसके बाद है कलमो मन हादा या अली, सईद फिर पूछता है कलम ओ मन, कलम का मतलब कलम, मन का मतलब कौन, कलम ओ मन किसका कलम, हुज पेन, हुज पेन, कलम ओ मन हादा या अली, ए अली ये किसका कलम है, कलम ओ मन हादा ये किसका कलम है, कलम ओ मन का मतलब किसका कलम, मन का मतलब हमें मालूम है ना कौन, तो कौन ये किसका दोनों मानते हैं, हाँ सैयारा तो मन हाद ही कहेंगे, सैयारा लफ्ज़ मोहनस है इसलिए हाद ही कहेंगे, लफ्ज़ सैयारा मोहनस है ना आखिर में गोलता आता है जिस लफ्ज़ के वो मोहनस कंसीडर होती है, तो हाद ही कहेंगे अब वहाँ, तो कहेंगे सैयारा तो मन हाद ही, वो आएगा इंशाल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पहुँच रहे हैं, है ना, कोई मसला नहीं है इसका। तो कलम ओ मन हादा, कलम ओ मन हादा, कलम चूँकि मुज़क्कर लफ्ज़ है इसलिए हादा, अगर कलम को हटा के सैयारा लगा दें तो सैयारा लफ्ज़ आखिर में गोलता आ गए तो मोहनस, तो सैयारा तो मन हादा नहीं कहेंगे, सैयारा तो मन हाद ही जी, ये गाड़ी किसकी है, तो कलम मन हादा ये किसका कलम है, या अली ए अली, ए अली ये किसका कलम है, किसका कलम है, अली ने जवाब दिया हादा कलमुल मुदर्रिस, क्या मतलब हुआ इसका, ये टीचर का कलम है, हादा कलमुल मुदर्रिस, हादा कलमुल मुदर्रिस ये टीचर का कलम है, हादही सैयारतुल मुदीर, हादही सैयारतुल मुदीर, अब हमने हादा की वजह हादी कह दिया वहाँ सैयारा की वजह से, तो जो लफ्ज़ मोनस होगा फीमेल होगा यानी फेमिनिन होगा तो उसके उसके लिए हाद ही इस्तेमाल करेंगे, और जो लफ्ज़ जो है मस्कुलिन होगा मुज़क्कर होगा मेल होगा उसके लिए हादा इस्तेमाल करेंगे, हादा और हाद ही, तो हम कहेंगे हाद ही सैयारतुल मुदीर, क्या कहेंगे हम, हाँ अब हम कहेंगे कि हादा मकतबुल मुदीर व हाद ही सैयारतुल मुदीर, हादा मकतबुल मुदीर व हाद ही सैयारतुल मुदीर, है ना, तो समझ में आ रहा है ना, हादा और हादी लफ्ज़ जो है मुदक्कर और मोनस के हिसाब से हादा हादी बदलता रहेगा, वो नहीं उसमें सिर्फ पहचाने के जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता आएगी ना, गोलता जैसे आयशा फातमा लिखते हैं तो गोलता लिखते हैं तो वो मोनस की पहचान है मोटी सी, तो जिस लफ्ज़ के आखिर में भी हम ऐसी गोलता देखेंगे तो समझेंगे कि ये लफ्ज़ जो है मोनस है, अदरवाइज़ मुदक्कर समझे उसको, कुछ एक्सेप्शन होता है उसमें, जब एक्सेप्शन आएगा तो बता देंगे, अदरवाइज़ रूल यही है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में आप गोलता देखें वो मोनस समझे, अदरवाइज़ मुज़क्कर, ठीक है। तो हादा कलमुल मुदर्रिस ये मुदर्रिस का कलम है, अब ये देखिएगा कलम लफ्ज़ देखिएगा लेकिन हकीबा नीचे आ रहा है एक लफ्ज़, हकीबा के आखिर में देखिएगा यहाँ पर, अब सईद पूछता है, सईद नीचे का जुमला देखिए, अयना हकीबतुल मुदर्रिसी, अयना हकीबतुल मुदर्रिस, हकीबा देखिए लफ्ज़ उसके आखिर में गोलता नज़र आ रही है आपको, ये देखिए ये ता नज़र आ रही गोल, इसी को कहते हैं गोलता, ताय मुदव्वरा, ताय मरबूता और ताय मुदव्वरा कहते हैं इसको अरबी में, तो इसकी ज़रूरत नहीं आप गोलता समझिए इसको ना, एक लंबी तय होती है हमको मालूम है
ऐसी लंबी रहती है, दो नुक्ते रहते हैं, ये भी ता ही है लेकिन ये गोल ते है, लंबी ते नहीं है। तो ते दो टाइप की लिखते हैं, एक लंबी भी लिखते हैं एक गोल भी लिखते हैं। वो लंबी जब ज्वाइन करेंगे तो लंबी जो है ऐसे गोल बन जाती है ज्वाइन करने के लिए। तो ये गोल ता जिस लफ्ज़ के आखिर में नज़र आए आपको वो लफ्ज़ फीमेल होगा, फेमिनिन होगा, मुअन्नस लफ्ज़ शुमार होगा। तो देखिए कलम, कलम के आखिर में ये लफ्ज़ ये हर्फ नहीं नज़र आ रहा हमें, ये गोल ता यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये लफ्ज़ जो है मुज़क्कर है, मेल है ना, मस्क्यूलिन है। लेकिन ये लफ्ज़ इस लफ्ज़ के आखिर में देखिए यहाँ पर है, तो हकीबा लफ्ज़ जो है मुअन्नस है, फीमेल है, फेमिनिन है। तो ये मोटी पहचान है, ये पहचान है बस जहन में रखिएगा। इसके अलावा कुछ पहचान और भी है लेकिन बतदरीज ग्रेजुअली, फौरन आज सब रूल रेगुलेशन आज नहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें हासिल होगी। बेवक्त बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस पर तवज्जो करें तो इंशाल्लाह चीज़ें हासिल होंगी। ड्राइविंग सीखते तो वो भी पहले दिन हर चीज़ नहीं बताई जाती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना फिर रूल रेगुलेशन समझाते हैं, है ना जी। कोई डाउट हो तो फिर ऐसा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन फ्यूचर के हिसाब से एडवांस खुद से आप वो मत इनवाइट कीजिए उसको कि भी मुझे आगे का भी सीखना है, वरना ये समझ नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे तो आगे की चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें सीखने की हमारे पास, तो इंशाल्लाह बतदरीज सीखेंगे आप। तो अयना हकीबतुल मुदर्रिस, क्या है ये अयना हकीबतुल मुदर्रिस, टीचर का बैग किधर है। हकीबा कहते हैं बैग को, हकीबतुल का मतलब होता है बैग, और लेडीज़ का जो पर्स होता है उसको भी लिखते हैं ये लोग हकीबा, हकीबा लेडीज़ का जो पर्स होता है ना उसको भी लिखते हैं हकीबा। और हकीबा हमारे बैग को भी कहते हैं, शंता भी कहते हैं, शंता भी कहते हैं, और लेडीज़ के लिए भी कहते हैं शंता और बैग के लिए भी कहते हैं। तो शंता और हकीबा दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जिसको, ठीक है, तो वो भी अच्छी चीज़ है, एडिशनल लफ्ज़ वो भी याद रखिए शंता, अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हकीबा को याद रखना है हमें चूँकि हमारे लेसन में है। तो अयना हकीबतुल मुदर्रिस, अयना हकीबतुल मुदर्रिस, टीचर का बैग किधर है, टीचर का बैग किधर है। तो क्या कहा उसने, अली ने, हिया तहतल मकतब। अभी देखिए हुआ के बजाय हिया कहा, क्योंकि हकीबा मुअन्नस है ना, देख रहे हैं यहाँ पर लफ्ज हकीबा मुअन्नस है, इसलिए हिया कहा इस जवाब में, हुआ नहीं कहा उसने, हिया कहा। तो जो लफ्ज़ मुअन्नस है उसके लिए हिया इस्तेमाल होगा इशारा, और किसी मुजक्कर लफ्ज़ की तरफ इशारा करना होगा तो हुआ से कहेंगे, ही और शी वाला मामला है, ठीक है। तो हिया कहा इन्होंने हकीबा लफ्ज़ की वजह से कहा, है ना, कलम होता वहाँ तो हुआ कहते हैं हम, तो हिया तहत अलमक, तहत कहते हैं नीचे को, तहत का मतलब होता है नीचे, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं तहत, माँ तहती कहते कि नहीं, हम उर्दू में कहते हैं हम माँ तहती, मैं किसी की माँ तहती में काम नहीं कर सकता, माँ तहती का मतलब वही है ना, किसी के तहत में रहना। तो तहत जो है अरबी का लफ्ज़ है जो कि उर्दू में सेम माना में है इस्तेमाल। और ऊपर को क्या कहते हैं, ऊपर को फौक, ऊपर को क्या कहते हैं हम फौक, और नीचे को कहते हैं तहत, कहेंगे अना फौक मैं ऊपर हूँ, अना तहत मैं नीचे हूँ। फौक भी यार उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, फौक ऊपर के कहते हैं माँ फौकुल फितरत, इस्तेमाल करते हैं कि नहीं लफ्ज़ माँ फौकुल फितरत, ये तो ये जो वाक़ियात है ये माँ फौकुल फितरत है, मतलब सुपर नेचुरल चीज़ें, ये तो नॉर्मल चीज़ें नहीं है ये, ठीक है ना। तो माँ फौकुल फितरत इस्तेमाल होता है उर्दू में भी। तो फौक का मतलब ऊपर, तहत का मतलब नीचे। दाएं और बाएं को क्या कहते हैं, यमीन और यसार, यमीन यसार, इंशाल्लाह डायरेक्शन भी आएगा इंशाल्लाह, ये चीज़ें हम सीखेंगे हम, हाँ बस ऐसे ही पूछ रहे हैं, इंशाल्लाह हम सिखाएंगे उसको। तो यमीन का मतलब दाएं, यसार का मतलब बाएं, फौक का मतलब ऊपर, तहत का मतलब नीचे, यसार, या सीन अलिफ रा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, डायरेक्शन और गिनती और ये, और हफ्तों के दिन और महीनों के दिन बतदरीज सीखना है हमने, ठीक है। तो फौक का मतलब ऊपर, तहत का मतलब नीचे, यमीन दाएं राइट, यमीन का मतलब राइट, यसार का मतलब लेफ्ट, ठीक है, यमीन एंड यसार, यमीन यान और यसार। शिमाल जो है, शिमाल भी कहते हैं लेकिन यहाँ पर यमीन यसार इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, शिमाल नहीं यूज़ करेंगे, शिमाल जो है दूसरे माने में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारा, लेकिन यहाँ पर जो है यमीन यसार इस्तेमाल होता है, शिमाल नहीं कहेंगे, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम, शिमाल जो उर्दू में मुस्तमल है, ओके। तो ही तहत अल मकतब, ये कहाँ पर है, अकीबा तहत अल मकतब है, टेबल के नीचे है। तो ये हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ, छोटा सा सबक है ये ख़त्म हुआ। तमरीन का आप सिर्फ हेडिंग समझिए, आप जो है घर में ट्राई कीजिएगा इसको, इसमें लिखा हुआ तमारीन यानी एक्सरसाइजेज,
तो एक्सरसाइज आपने घर में करनी है, वो टाइम निकाल के कम से कम हफ्ते, पूरा हफ्ता हमारे पास होता है, तो इंशाल्लाह रोज़ाना अगर 10 मिनट या हफ्ते में कम से कम एक दो दिन देख ले इसको, तो इंशाल्लाह रिवीजन हो जाएगा और उसको ट्राई करें एक्सरसाइज। यहाँ पर लिखा हुआ अजीब अनिल असइला अल आतिया, क्या क्या पूछ, ये क्या कह रहे हैं हमसे कि नीचे जो सवाल है इसका जवाब लिखिए आप, अजीब का मतलब जवाब दीजिए, आंसर द फॉलोइंग, अजीब अनिल असइला अल आतिया, अजीब का मतलब जवाब दीजिए, सवाल की जमा असइला, सवाल की जमा असइला, अल आतिया का मतलब द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको ये इन्होंने जो सवाल लिखे हुए हैं इनके जवाब आप खुद से लिखिए, अइन किताबु मोहम्मद, अइन किताबु अम्मार, अइन हकीबतुल मुदर्रिस, आप खुद ही आंसर लिखें वहाँ पर, ताकि हम समझ में आए कि आप उसको समझ रहे हैं। उसके बाद जो है एक्सरसाइज नीचे लिखा हुआ है नंबर टू, अज़ीफ़ुल कलिमा अल ऊला इला थानिया, इसमें क्या कह रहे हैं आपको कि मसलन देखिए नीचे दो अल्फाज हैं किताबुन और मोहम्मदुन, दो लफ्ज़ है कि नहीं नीचे, तो ये कह रहे हैं कि किताब और मोहम्मद दोनों को ज्वाइन करके पढ़िए काके की का माना बताने के लिए। तो मिसाल दी उन्होंने किताब व मोहम्मदिन, कैसे पढ़ेंगे हम किताब और मोहम्मद को ज्वाइन करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, किताब व मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। तो का और के और की का माना पैदा करने के लिए हमको क्या करना है, इस तरह पढ़ना है, एक लफ्ज़ है किताब, एक लफ्ज़ है मोहम्मद, हम पढ़ेंगे उसको किताब व मोहम्मद, किताब व मोहम्मद, मोहम्मद की किताब। लेफ्ट 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 देखिए मकतबुन और अलमुदर्रिस, मकतबुन और अलमुदर्रिस दो लफ्ज़ दिए हैं इन्होंने, इसको ज्वाइन कैसे कैसे पढ़ेंगे हम, मकतबुल मुदर्रिस, मकतबुल मुदर्रिस, टीचर का टेबल, टीचर का टेबल, ठीक है। अब नीचे दिया मसलन कलम और हामिद, तो हम पढ़ेंगे कलम और हामिद, कलम और हामिद। उसके नीचे दिया हुआ है बैत और अब्बास, हम पढ़ेंगे बैत और अब्बास, है ना, बैत और अब्बास, इन क्या पढ़ेंगे हम, बैत और अब्बास। उसके नीचे दिया हुआ है गुरफा और अली, तो हम पढ़ेंगे गुरफा तो अली इन, गुरफा तो अली इन। नीचे दिया हुआ है दफ्तरुन और सईद उन, तो आप पढ़ेंगे दफ्तर सईद इन, सईद का नोटबुक। नीचे लिखा हुआ है मिंदीलुन और यासिरुन, आप पढ़ेंगे मिंदीलो यासिरिन, यासिर का टॉवेल। नीचे दिया हुआ है कमीसुन और अम्मारुन, आप क्या पढ़ेंगे इसको, कमीस व अम्मारिन, क्या पढ़ेंगे हम, कमीस व अम्मारिन, अम्मार का शर्ट, अम्मार का शर्ट। उसके नीचे लिखा है सरीरुन और खालिदुन, क्या पढ़ेंगे हम, सरीर व खालिदिन, क्या पढ़ेंगे हम, सरीर व खालिदिन, खालिद का बेड, खालिद का बेड, सरीर व खालिदिन। लेफ्ट वाले कॉलम में मिफ्ताहुन और अलबैत लिखा हुआ है, तो ज्वाइन करेंगे हम तो कहेंगे मिफ्ताहुल बैती, देखिए हाँ पेश था तो जेर हो गया नीचे, लिखा हुआ है मिफ्ताहुन और अलबैत, तो जब का केकी का माना पैदा करना हो तो हम कहेंगे मिफ्ताहुल बैती, और पेश के बजाय जेर बन गया वहाँ पर, ठीक है। तो मिफ्ताहुल बैती, दुकानुन और अताजिरो, ज्वाइन करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, दुकानुताजिरी, दुकानुताजिरी, ताजिर की दुकान। मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी, ऊपर जो पढ़ा हमने मिफ्ताह और अलबैत, तो मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, मिफ्ताहुस सय्यारती, मिफ्ताहुस सय्यारती। उसके बाद नीचे लिखा हुआ बैतुन और अलमुहंदिस, मुहंदिस का मतलब इंजीनियर, ठीक है। तो बैतुन और अलमुहंदिस, तो ज्वाइन कैसे कैसे पढ़ेंगे आप, बैतुल मुहंदिसी, क्या पढ़ेंगे हम, बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर, इंजीनियर का घर जी, बैतुल मुहंदिसी, इमाम साहब का घर कैसे कहेंगे हम, बैतुल इमामी, बैतुल इमामी, इमाम साहब का घर, ठीक है जी। अमाम, वो इमाम नहीं, अमाम, अमाम का मतलब साथ में, इमाम का मतलब इमाम, ईशा और आशा, ईशा का मतलब नमाज ईशा, आशा का मतलब डिनर, ठीक है, आशा का मतलब डिनर, ईशा का मतलब सलात ईशा, ठीक है। अमाम, इमाम नहीं, अमाम जी, अमाम और वरा, अमाम और वरा, अमाम मतलब फ्रंट आगे, वरा का मतलब पीछे, डायरेक्शन जब हम सिखाएंगे तो उसमें आएगा इंशाल्लाह। वो गिद्दाम भी कहते हैं, जिद्दाम भी कहते हैं जी, अमाम भी कहते हैं, गिद्दाम चिद्दाम सब कहते हैं वो, ठीक है, स्पोकन में आएगा इंशाल्लाह। तो इस्मुन और अलवलदो, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इस्मुल वलदी, इस्मुल वलदी, बच्चे का नाम, इस्मुल वलदे, पेश के बजाय अब जेर आएगा, चूँकि हमने इसको काके की का माना देना है, तो अब हम पढ़ेंगे इस्मुल वलदे, इस्मुल वलदो नहीं, जब काके की का माना पैदा करना होगा तो फिर एराब भी बदलेगा और मीनिंग चेंज हो जाएगी। इस्मुल वलदे, किताबुन और अल्लाह, क्या पढ़ेंगे, किताबुल्लाह,
किताबुल्लाह अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब, ठीक है। नीचे लिखा बिंतुन और अत्तबीबु, बिंतुन बिंतु तबीबी, बिंतु तबीब बिंत का मतलब बेटी लड़की, बिंतु तबीबी डॉक्टर की बेटी, हाँ बिंतु तबीबी डॉक्टर की बेटी सही है, मिलाएंगे उसको ना, तो बिंतु तबीबी है ना। लेकिन लाम को ज्यादा वो नहीं देंगे, लाम नहीं, लाम की आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, हमने बताया जी साइलेंट हो जाएगा, हमने जी हमने बताया था लास्ट टाइम कि लाम जब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो लाम की आवाज़ निकल जाएगी, अलिफ और लाम दोनों साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अली हम पढ़ेंगे उसको बिंतु तबीब, बिंतु अतबीब नहीं पढ़ेंगे, बिंतु तबीब ता को ता में मिला देंगे, अलिफ लाम की आवाज़ निकल जाएगी। तो हम पढ़ेंगे बिंतु तबीबी डॉक्टर की लड़की या डॉक्टर की बेटी। नीचे लिखा है मिफ्ताहुन और सैयारा, जी मिफ्ताहुस सैयारती क्या मतलब होगा फिर उसका, गाड़ी की चाबी, मिफ्ताहुस सैयारती गाड़ी की चाबी, हाँ वही मिफ्ताहुस सैयारा गाड़ी की चाबी किधर है, अइन मिफ्ताहुस सैयारा गाड़ी की चाबी किधर है, तो मिफ्ताहुस सैयारा, मिफ्ताहुस सैयारती गाड़ी की चाबी किधर है। तो बहरहाल ये दो एक्सरसाइजेज आप घर में कीजिएगा और लिखिएगा, है ना, हमने समझा दिया है। अब आप चेक कीजिएगा घर में याद है कि नहीं, हमने जो समझाया इसको पेन से लिखिएगा ताकि आपको ज़्यादा याद हो, लिखने से खुद याद होता है असल में ना, जब आप एक्सरसाइज खुद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो आप ज़्यादा समझेंगे उसको फिर अब। ओके, आज का जो है स्पोकन का देख लेते हैं, हमने लास्ट टाइम जो जुमले बताए थे, मसलन हमने ये कहा था कि भी शुरू में कुछ बताया था हमने, मसलन ये कहा था कि भी आप किधर है, तो उसका जुमला याद है आपको, वही नक, आप किधर है तो क्या जुमला, ये बहरीनी स्टाइल की अरबी, हम जो है बहरीनी स्टाइल की अरबी भी यहाँ पर आखिर में, आखिरी दूसरा जो दिन जैसे आज सेकंड है ना, तो अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम बुध और जुमेरात को पढ़ेंगे, तो बुध के दिन नहीं बल्कि जुमेरात के दिन जो आखिरी जो 10 मिनट होते हैं 5-10 मिनट उसमें ये समझा देते हैं जो स्पोकन। और ये जो शीट है ये मैं फेसबुक पर भी पोस्ट करता हूँ इसको, और ऑलरेडी पोस्ट की हुई है उसमें, जब आप फेसबुक में मेरे पेज पर जाएंगे तो उसमें फ़ोटोज़ में जाइएगा, अल्बम में, अल्बम में अलग अलग रखा हुआ है मैंने, बहरीनी अरबिक का अल्बम अलग है, उसके अंदर ये शीट मिलेगी आपको, ठीक है। पार्ट वन के एक्सरसाइजेस का अल्बम अलग है और पार्ट टू के एक्सरसाइज, तो अल्बम में चेक कीजिएगा तो ये पूरी शीट्स मेरी उसमें मिल जाएगी, स्पोकन अरबिक बहरीनी अरबिक के नाम से होगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप किधर है तो हम उसके लिए क्या काम ने, वही नक, आप किधर थे भाई, वही नक, मैंने आपको बहुत ज़माने से मुलाकात नहीं हुई, क्या कहा था हमने, मिन ज़मान मा शुफ्तुक, बहुत ज़माने से मुलाकात नहीं हुई थी, क्या कहेंगे हम, मिन ज़मान मा शुफ, वही नक मिन ज़मान मा शुफ्तुक, किधर है आप, बहुत ज़माने से मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी दिन हुए आप तो आपसे दीदार नहीं हुआ आपका, तो मिन ज़मान मा शुफ्तुक, बहुत ज़माने से आपसे मुलाकात नहीं है, वही नक आप किधर हैं, मिन ज़मान मा शुफ्तुक, बहुत ज़माने से आपसे मुलाकात नहीं हुई भी। उसके बाद और कहा था हमने, आप कैसे हैं, कैसे पूछेंगे वो, आप कैसे हैं, श्लौनक शहवालक शखबारक, श्लौनक ये शखबारक, ये दो याद रखिए, ठीक है, श्लौनक ये शखबारक, ये दोनों याद रखिए, श्लौनक शखबारक। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ माशिल हाल, अल्हम्दुलिल्लाह कहें बस, खलास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलमक, जवाब में आप उसको थैंक यू भी कहें, अल्लाह सलमक। उसने किसी ने पूछा आपसे शखबारक श्लौनक, तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उसके बाद शुक्रिया भी अदा करें कि उन्होंने आपका हाल मालूम किया ना, आप कहें कि अल्लाह सल्लमक, जी 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 बिल्कुल, अल्लाह युसल्लिमक, अल्लाह युसल्लिमक, युसल्लिमक, जी जी, वह अंत ऐसा नहीं पूछेंगे, अल्लाह सल्लमक कहते हैं ये लोग, जवाब शुक्रिया के तौर पर कहते हैं। अब कहेंगे पूछना होगा कि आप कैसे, तो श्लौनक अंत, आप ऐसा पूछें वांत श्लौनक ऐसा पूछेंगे, नहीं वो अंत का मतलब तुम होगा, तुम ऐसा नहीं, अगर आप कैसे हैं वो अंत श्लौनक ऐसा कहें, वांत श्लौनक ऐसा कहेंगे आप फिर, ठीक है। तो ये हम जो सिखा रहे हैं अगर आप इसको याद रखिए तो इंशाल्लाह बतदरी जितने जुमले आपके पास जमा हो जाएंगे कि आपको जो है ना बहुत सारा फहम पैदा हो जाएगा बातचीत का। लेकिन आप जो चीज़ सुनते हैं आप को जो साहब बता रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं जिन्होंने बताया है उनकी अरबी किस हद तक सही है या कैसे उनको क्या इल्म है, तो हम जो चीज़ें हैं वो बाकायदा हम इस्तेमाल करते हैं, हमने लोगों के साथ इंटरेक्शन है हमारा अरबिक में ऑफिसों में हर जगह पर हमें मालूम है, तो हम जो चीज़ें ऑथेंटिक है वही चीज़ें हम आपको सिखाते हैं,
और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ऑथेंटिक चीज़ इस्तेमाल करेंगे आप वहाँ पर, है ना। तो शिलौनक का मतलब आप कैसे हैं, किसी ने आपसे पूछा शिलौनक तो आप क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलमक, आप जवाब थैंक यू करके अल्लाह यसलमक अल्लाह यसलमक, हम लिखा देंगे उसको इंशाल्लाह, लिखा देंगे उसको इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ, ये लोग दुआ के बहुत सारे जुमले इस्तेमाल करते हैं, दुआ अल्लाह यखलिक अल्लाह यसलमक बहुत सारे, तो अल्लाह यहयिक हयाकल्ला बहुत सारे अल्फाज, तो वो एक दिन हम वो सेंटेंसेज ही बता देंगे आपको, बेशुमार तकरीबन 8-10 सेंटेंसेज लिख लीजिएगा आप, वो उसमें से जो है मुनासिब 2-3 याद रखिएगा लाजिम, पूरे याद रखने की ज़रूरत नहीं, स्टॉक में रखिएगा। तो ये पुराने जुमले हैं हमारे। लास्ट वीक हमने बताया था कि मैं छुट्टी पर गया था, छुट्टी पर गया था उसके लिए क्या जुमला है, रहतुल इजाज़ा, मैं छुट्टी पर गया था तो क्या है, ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इसको, है ना, लाजिम याद करें इसको, एक एक जुमला, चूँकि हम 2 या 3 जुमले ही बताते हैं, हफ्ते भर में याद कर लीजिए इसको, पॉकेट डायरी में लिखिए, कहीं लिखिए कुंत फिल इजाज़ा, मैं छुट्टी पर गया था, या तो कहेंगे हम रहतुल इजाज़ा या तो कुंत फिल इजाज़ा, मैं छुट्टी पर गया था, है ना। ये याद करना ज़रूरी है ये जुमले, है ना, सिर्फ आप क्लास में सुनेंगे उसके बाद में जाकर जो है अगले हफ्ते आप याद करके नहीं आएंगे हफ्ते भर, फिर हम अगली चीज़ें बताते रहेंगे 4 जुमले और, तो पिछला जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा वो, तो ये दिमाग में ज़रूरी है हम, तो जो चीज़ पढ़ रहे हैं आप लाजमन याद करें उसको, लाजमन आपका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ये जुमले जो है एक टाइम आएगा आपके पास कि तकरीबन जो है आपके पास जो है ना 200-300 जुमले अगर हो गए तो आप बहुत सारा वो मसला हो जाएगा आपका। फेसबुक पर 40 शीट्स मैंने पोस्ट किए, हर शीट में 6 जुमले हैं तकरीबन, आप मल्टीप्लाई कर ले उसको, कितने जुमले हो गए आपके पास, 240, आप देखिए उसको और चलता रहेगा इंशाल्लाह, है ना, कंटिन्यू रहेगा ये, तो आपकी ज़रूरत इंशाल्लाह बहुत सारी पूरी होगी इसमें, ठीक है। तो हमने कहा कि मैं छुट्टी पर गया था तो उसका जुमला याद होना चाहिए, रहतुल इजाज़ा, रहतुल इजाज़ा या कुंत फिल इजाज़ा, कुंत फिल इजाज़ा। उसके बाद जो है ना, और मैं मरीज था तो क्या कहेंगे हम, मैं मरीज़ था, कुंत मरीद, मैं बीमार था तो क्या कहेंगे हम, कुंत मरीद, मैं बीमार था, ठीक है। उसके बाद ये कहना होगा कि मैं बहरैन ही में हूँ, अना हिनी फिल बहरैन, मैं बहरैन ही में हूँ, अना हिनी फिल बहरैन, अना हिनी फिल बहरैन, मैं कहीं नहीं गया बस इधर ही हूँ मैं, तो कुंत फिल इजाज़ा या रहतुल इजाज़ा, मैं छुट्टी पर गया था, मैं छुट्टी पर गया था, या तो हाँ वह हिनी कहेंगे वहाँ, अना हिनी, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना होगा तो मिन्नी, मतलब यहाँ पर रखी है ये चीज़, वहाँ पर कहेंगे मिन्नी, है मिन्नी, है मिन्नाक, वहाँ पर है, इधर यहाँ पर है, ठीक है। तो अना हिनी, मैं इधर ही हूँ, आई एम हेयर ओनली, ठीक है। आज का जुमला देख ले जहन में, किसी से आपको ये कहना होगा मसलन कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ज़रूरत पड़ती है ना ऑफिस में कि एक्सक्यूज मी आई हैव टू टॉक टू यू, आई हैव टू स्पीक टू यू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसके लिए जुमला याद रखिएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है आपसे, तो हम कहेंगे बगैत अकल्लिम वयाक, बगैत अकल्लिम वयाक, इसको एज इट इज याद रखना है, बगैत अकल्लिम वयाक जी, बगैत अकल्लिम वयाक, मुझे आपसे कुछ बात करना है, है ना। और किसी लड़की से कहना होगा तो वही क के बजाय च कहेंगे, वयाच, बगैत अकल्लिम वयाच, हाँ, तो क के बजाय च कहना होगा लड़की के लिए हमेशा। तो किसी से कहना होगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो क्या कहेंगे हम, बगैत अकल्लिम वयाक, बगैत अकल्लिम वयाक, ये इस्तेमाल वाले जुमले हैं, ऑफिसों में ज़रूरत पड़ती है बातचीत की, तो हमारे पास स्टॉक हर जुमले का होना चाहिए तकरीबन। ये फेसबुक पर है, अगर आप फेसबुक पर देखेंगे तो इंशाल्लाह शीट मिल जाएगी आपको, और ये अगर आप आज का यूट्यूब का जो लेसन है उस पर देखेंगे तो उससे भी नोट कर सकते हैं आप, को मसला नहीं है, इसके अंदर डिस्प्ले है, तो यूट्यूब वाली वो देख लें तो उससे भी लिख सकते हैं, बगैत अकल्लिम वयाक, मुझे आपसे बात करनी है। जिनसे आपको अरबी नहीं लिखना आती हो वो जो है इंग्लिश में लिख ले, या अपनी जो ज़ुबान जानते हैं उसमें लिख ले, कोई मसला नहीं है, हमने प्रोनाउंसिएशन उसका बता दिया। तो अगर किसी को अरबी या उर्दू में नहीं लिखना आता तो आप इंग्लिश में या हिंदी में लिख लें, आप बगैत अकल्लिम वयाक ऐसा लिख लें और उसको याद कर लें फिर, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि हम अरबी भी सीखें, रीडिंग सीखना ज़रूरी है अरबी की, अरबी रीड कर लेते ना आप लोग इसको, हाँ बस, तो बस इतना काफ़ी है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बगैत अकल्लिम वयाक। तो अगर किसी से कहना हो जी फरमाइए, जी, किसी ने कहा कि बगैत अकल जी फरमाइए, तो हम कहेंगे तफद्दल, तफद्दल, कोई बड़ा आदमी हो तो तफद्दल, हाँ। लेकिन किसी से कहना हो जी बोलो बोलो, अब उर्दू में कहेंगे जी फरमाइए, या कोई अगर थोड़ा सा नीचे दर्जे का तो हाँ ठीक है बोलो, तो दोनों मतलब, तो जो रिस्पेक्टेबल आदमी हो कहेंगे जी फरमाइए क्या बात है,
किसी नीचे आदमी से कहना हो हाँ भी ठीक है बोलो क्या बात है, तो दोनों अंदाज है। तो किसी बड़े आदमी से कहना होगा तो कहेंगे हम तफद्दल, तफद्दल जी फरमाइए, लेकिन किसी छोटे से कहना होगा तो कहेंगे गुल 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 कहो बोलो, ठीक है। तो तफद्दल का मतलब जी फरमाइए, तफद्दली जी, तफद्दल तफद्दली जी लेडीज के लिए तफद्दली। और किसी आदमी को मैंने कोई एक हमारे जैसा हो अपने दर्जे का हो वहाँ पर ऑफिस में भरे नहीं हो लेकिन उसे कहना अच्छा बोलो बोलो भाई क्या बात है बेतकल्लुफी, तो उसमें कहेंगे गुल 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 मतलब कुल, कुल का मतलब कहो, कुल हुवल्लाहु अहद कहो कि अल्लाह एक है, कुल का मतलब कहो। ये बड़ी काफ़ को गाफ में बदल देते हैं स्पोकन में, बहरेनी स्लैंग के अंदर काफ को क्या करते हैं ये गाफ में बदल देते हैं, तो कुल के बजाय गुल, वक़फ के बजाय वगफ, काफ है वहाँ वक़फ है वो तो वगफ कहते हैं वो वगफ है ना। आना गितलक मैंने तुमसे कहा था, असल में कुल तो लगा है वो कुल तो को गिल्द, तो काफ को गाफ में बदल देते हैं, बड़ी काफ को क्या करते हैं ये गाफ में बदलते हैं, तो कहेंगे कुल लेकिन वो कुल नहीं बल्कि गुल गुल, तो गुल मतलब बोलो। और किसी लड़की को कहना हो तो गुल नहीं बल्कि गुलई 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 बोलो बोलो भाई गुलई, हाँ बोलो टेल मी, ठीक है। तो गुल या गुलई लड़की से कहेंगे गुलई, जी जी बोलो भाई क्या बात है। तो हाँ वो तफद्दल बहुत जामे लफ्ज़ है बहुत सारी जगहों पे, तफद्दल बैठिए, तफद्दल तशरीफ लाइए, तफद्दल आप आगे बढ़िए, तो हर जगह इस्तेमाल होता है जी जी। ज़रूरी नहीं दावत, आप किसी को कहेंगे भाई जी बैठिए बैठिए तो आप कहेंगे तफद्दल, किसी को खाने के लिए बुलाना होगा आप खाना खा रहे तो कहेंगे तफद्दल हयाक, वहाँ पर तफद्दल के बजाय हयाक कहेंगे, वहाँ पर हयाक आएगा आगे इसमें, ठीक है। आप खाना खा रहे हो ऑफिस में नाश्ता कर रहे हो और कोई सामने से गुजर जाए आप उसको बुलाना चाहते हो तो क्या कहेंगे हयाक हयाक तफद्दल हयाक तफद्दल, तो वो जवाब देगा बिलआफिया। आप वहाँ से गुजर रहे हो कोई बहरेनी कोई बहरेनी खाना खा रहा है मसलन नाश्ता कर रहा है ऑफिस में, उसने आपको बुला लिया ताल 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 फदल फाल है ना हयाक, वो कहेंगे हयाक, तो आप उसको क्या कहना होगा, हम कहेंगे ना बिन्नी नहीं शुक्रिया बहुत बहुत बारकल्ला ऐसा कहें, तो हम क्या कहेंगे बिल आफिया, बस इतना कहते हैं आप बिल आफिया, मतलब आप खाइए मैं खा चुका हूँ बिल आफिया। आएगा इंशाल्लाह आगे की शीट में आएगा वो अगली शीटों में, बिल आफिया का मतलब जी जी आप लोग जारी रखिए मैं तो खा चुका हूँ, बिल आफिया मतलब कैरी ऑन, बिल आफिया कैरी ऑन, ठीक है। तो उसके बाद जो है गुल, एक तीसरा आखिरी जुमला है हमारा, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो कहेंगे हम अब भी इजाज़ा योम वाहिद, अब भी इजाज़ा योम वाहिद, अब भी इजाज़ा योम वाहिद, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। अब भी का मतलब आई वॉन्ट, अब भी तब भी नब्बी, अब भी का मतलब आई वॉन्ट, तब भी का मतलब यू वॉन्ट, तब भी है तब भी मतलब डू यू वॉन्ट दिस, तब भी दी डू यू वॉन्ट दिस, तो अब भी का मतलब आई वॉन्ट जी 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 जी, तब भी शे डू यू वॉन्ट एनी थिंग, तब भी शे डू यू वॉन्ट एनी थिंग, अब भी मैं आई वॉन्ट, तब भी यू वॉन्ट, तो अब भी इजाज़ा, इजाज़ा मीन्स छुट्टी, ठीक है। तो अब हमने कहा ना अभी पढ़ा हमने रुहतुल इजाज़ा, तो जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो पीछे चीज़ें जो पड़ी हुई वो या काम आएगी हमारे इंशाल्लाह। तो अब भी इजाज़ा योम वाहिद, योम का मतलब दिन, वाहिद का मतलब एक, अब भी इजाज़ा योम वाहिद, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, ये तीन जुमले याद रखना है आपने आज। तो आप कहेंगे जी जी, क्या तुम्हें एक दिन की छुट्टी चाहिए जी, आप ऐसे कहेंगे हम चाहिए वी वॉन्ट, जी जी वी वॉन्ट, अब भी आई वॉन्ट, तब भी यू वॉन्ट, नब भी वी वॉन्ट जी, जी हाँ जी जी, ये फेमिनिन के लिए भी ऐसी है सेम, यबून यबून दे वॉन्ट यबून दे वॉन्ट जी जी दे वॉन्ट यबून, ठीक है। तो ये तीन जुमले याद रखिए आज के, और अगले हफ्ते इसको सुनाइएगा फिर, और अगली जो इसके पहले पढ़ा हुआ है वो भी पूछूंगा मैं, ताकि वो चीज़ें जहन में रहें इंशाल्लाह। इसी पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, व जज़ाकुमुल्लाहु खैर।
फी और आला। जी जी हुआ ही है, वैसे मैंने वो किया हुआ है तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो देख लिया करें उसको। अगर हम ग्रामर नहीं सिखाते यहाँ पर, ग्रामर बोलकर तो ग्रामर सिखाते नहीं, हम ग्रामर से डराते नहीं किसी को। हम ये चीज़ चेक कर चुके हैं, हमारा जो पहला बैच था शुरू में बहरेन मरकज़ुल फुरकान उस वक्त शिफा हॉस्पिटल के पास हुआ करता था, तो हमने ये चीज़ ट्राई की, लोगों को जो है ना ग्रामर के साथ लेके चलना चाहा, तो लोग जो है ना घबरा गए। तो उसके बाद जो है ना हम समझ गए कि लोग जो है ना ग्रामर नहीं सीखना चाहते, उनकी ज़रूरत क्या है, बोल चाल। इंसान को थोड़ा सा जो लिखा हुआ है पढ़ने आना चाहिए और ऑफिस में बात करने आनी चाहिए। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, फिर हम ग्रामर तो सिखाते ही नहीं है, और ग्रामर सिखाते भी हैं लेकिन इस अंदाज में कि हम बताते नहीं कि ये ग्रामर है और आप सीखते जाते हैं, है ना। मसलन आज आज आपने पढ़ा काके की, तो ये ग्रामर वाली चीज़ है आज जो आपने पढ़ी, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ये ग्रामर है और इसको मुजाफर, इसको अब ग्रामर पढ़ाना चाहता हूँ मैं मसलन, तो कहूँगा कि भाई ये किताब व खालिदिन, खालिद की किताब, तो किताब व मुजाफ कहते हैं ग्रामर में और खालिद को मुजाफ इलह कहते हैं। और आपसे पूछता रहूँ बताइए मुजाफ मुजाफ इलह क्या है, बताइए मुजाफ मुजाफ, तो कोई हासिल नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है उसका, ज़रूरत नहीं है मुजाफ मुजाफ इलह कहने की। बस आप ये याद रखिए, किताब व खालिदिन, खालिद की किताब, बाबुल गुरफत, कमरे का दरवाज़ा, सैयारतुल मुदीर, मैनेजर की गाड़ी, बस खलास। अरबिक फॉर उर्दू स्पीकर्स, अरबिक फॉर उर्दू स्पीकर, जी मैंने इधर शीट में शो किया था मैंने, अरबिक फॉर उर्दू स्पीकर, बंद कर दें।